हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक है। गलती से आज मैंने सोचा, कल मैं बहुत बेहाल थी, ठीक है, तो आज मैं ज़रा अपना भूल गया दुरुस्त करके, तैयार शेयर होके और बुक लोड रहा करके ना नए कपड़े पहन के आ जाती हूँ। जुम्मा भी है लेकिन यूनिवर्स हैव अदर प्लान्स फॉर मी। इंडोर में ड्यूटी है, चार सेक्शन थे, चार SVDs थी और इतनी ऑब्जर्वेशंस और बेतहाशा पेशेंट। SVD मेरे में छोड़ दी सीनियर्स ने सारी के, तुमने एक डिलीवर कराओ, इसको करा के ख़त्म करो, ये दूसरी 12 बजे से पहले डिलीवर होनी चाहिए। अल्लाह तौबा, हम गई मैं तो बहुत बुरा हाल। और एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में चली गई, मेरे तो कंधे थक गए उसको सपोर्ट दे दे के और प्रेशर लगवा के कुछ करवा करवा के। और कौन सा जुम्मा है, कौन सा, हमें 12:30 छुट्टी हो जानी है, 2 बजे छुट्टी होनी है, अभी 12:20 हो तो गए हैं, कोई सीन नहीं है ऑफ का। बहुत ही हसल वसल वाला दिन था, इतना के सोच है, मतलब मैं अब आके बैठी हूँ सुबह से ना, ये ज़्यादा सीख जाओ ना या ज़्यादा काम करने लग जाओ तो फिर ये भी मसला होता है कि आप स्टक हो जाते हो, यू कैन नॉट एस्केप। फिर मैं कहा मैं कोई पेपर वर्क नहीं कर रही है। वो कल भी ना मैंने एक AP हैं उनको थोड़ा सा जवाब दे दिया रूट सा, बाद में मुझे अफसोस ही हो रहा था कि यार नॉट राइट। परसों ना वो जो OT वाला दिन था जहाँ पूरी दुनिया पूरे हॉस्पिटल में घूम घूम के डिलीवरियाँ करवाई हैं, मैंने ऑपरेशन करा रही थी, ठीक है, अब वो आके गई थी कल ना कि नोट्स नहीं सही डाले और ये नहीं किया वो नहीं किया, तो फिर मैंने कहा कि भाई मैम आपको पता ही है कल कैसे हो रहा था और नोट्स मैं बिल्कुल सही डालती हूँ। फिर उन्होंने लिख के दिए ये फॉर्मेट है और इस तरह लिखना है। मैंने कहा मैम या तो मेरी गलती निकाल के दिखा दें और अगर गलती नहीं है तो फिर जिसकी गलती है उसी को सुनाएं, मुझे ना सुनाएं। तो अब फिर वो बोल रही थी कि हाँ रूड हो जाती है वो, अब पोस्ट कॉल फिर रूड ही होता है बंदा, यार मैं क्या करूँ फिर। औरतें का आज का दिन ना था, उतनी मैं खुश थी कि ना आज मेरी दोस्त है, स्कूल के टाइम से नहीं कॉलेज के टाइम से दोस्त है, फिर हमने एकेडमी भी एक साथ की, यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट्स डिफरेंट थे पर साथ ही थे, तो उसकी बेटी मैं लगी, ठीक है। उसने वैसे मुझे रात को बता तो दिया कि था कि मैं हॉस्पिटल एडमिट होने लगी हूँ और इस तरह ना कि इंडक्शन करने लगे हैं अभी, और इंडक्शन करने लगे हैं और ये कि ना ये सीन है, ठीक है। तो फॉलो अप करती रही थोड़ा बहुत ही मेरे साथ साथ, तो अब ये था कि फिर उसके बाद मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ, मैं समझ चली गई। मैं कहा कि ना मैं ड्यूटी करके ना मॉर्निंग की तो फिर वापसी भी मिलती हूँ, उस वक्त तक अभी नहीं हुई होगी डिलीवर, क्योंकि अगर नॉर्मल करना है तो टाइम लग ही जाता है प्राइमरी में, 24 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। बट इट टर्न्स आउट डिफरेंट कि ना उसका ऑपरेशन हो गया, नहीं इंड्यूस हो गई ना, फेल्ड हो गई इंडक्शन, तो बेटी पैदा हुई। फिर जब मैंने ना उसके शौहर का स्टेटस देख लिया
कि ब्लेस्ड विद रहमत तो मुझे समझ तो आ गई। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, नहीं मिला। मैंने उसके शोहर को फ़ोन किया, मुबारकबाद दी, मैंने कहा क्या हाल है, कैसी है, कहाँ है, होश में है। तो खैर पूछ पाछ के ना, मेरा तो दिल कर रहा था बस मैं उड़ के किसी तरह आ जाऊँ और उसके पास ना बैठ जाऊँ बस उसके पास किसी तरह भी ना। पर खैर फिर बहुत अजीब व गरीब किस्म का दिन गुजरा आज का। पहले मैं OPD में थी, फिर ना मैं OPD का काम ख़त्म हो गया मेरा, HOD के साथ बैठी हुई थी मैं। तो उसके बाद ना हम गए, मैं ना इंडोर आ गई, मैं कहा मैं बाल शाल ब्रश करती हूँ, मैंने जाना है थोड़ा हुलिया दुरुस्त कर लूँ अपना। तो मैं दुरुस्त करने आई तो इंडोर का हाल बिखरा हुआ। अब वो जो DMS थी ना, उसने क्या किया था कि हम दोनों जो पुराने गायनी हैं जिनको 2 महीने से ज़्यादा हो गया ना, हम दोनों को OPD लगा दी अभी, और रोटेशन होती है वैसे तो कोई मसला नहीं है OPD में, ठीक है। लेकिन इंडोर में दोनों ही नहीं, जिसको लिटरली एक हफ़्ता और एक एक महीना हुआ है ना, तो उनको इंडोर में लगा दिया। आज पेशेंट भी बहुत, पहले लिस्ट पे 3 लोग थे, करते कराते 7 सेक्शन हो गए, 3 डिलीवरीज आ गई, 2 तो मैंने ही PV करके भेजी थी ना, ठीक है, और 1 सेक्शन इसी का। तो हाल बेहाल हुआ हुआ था, लेबर रूम की दोनों टेबल्स फुल, एक पेशेंट फुली होके वो बेड पर डिलीवर हुई, और इतना गन मचा हुआ, मतलब उसको पता नहीं अब समहाउ क्या हुआ कि वो ना देखी नहीं, एग्जामिन नहीं हुई या किस तरह नेग्लेक्टेड चली गई, ठीक है, कि ना अब वो ना थी, ये थी कि वो हमारी अनबुक्ड पेशेंट थी। अनबुक्ड में सीन ये होता है कि फिर हमारे पास कोई लैब्स वगैरह नहीं थी, कुछ भी, कोई फाइल नहीं थी। सीन ये था कि वो फैसलाबाद से कहीं से ना अपने क्या कहते हैं रिश्तेदारों के पास आई थी, और उसके पास कोई लैब्स नहीं थी, यहाँ आके उसको लेबर पेन लग गई, ठीक है। तो ना यार गाड़ी चलाना एनीवेज, तो सीन ये था कि फिर ना लेबर पेन्स लग गई, और वो 3 सेंटीमीटर तो मैंने ही देख के दी थी ना कि हाँ 3 सेंटीमीटर है। तो सीन ये था कि भाई 3 सेंटीमीटर थी, अब वो करते कराते उनको हमने ना बस ये कह दिया कि लैब सारी करवानी है ये वो, क्योंकि ब्लड ग्रुप तक नहीं पता, तो ऑब्वियसली लैब सारी होंगी ना, तभी तो आपको करेंगे। वो शायद उस चक्करों में बाद में इंडोर गई कि पहले गई है, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन मैंने तो उसको फ़ौरन कहा था कि तुम एडमिशन की स्लिप वहाँ दिखाओ कि मुझे एडमिट करने को कहा है, और फिर चली जाओ अंदर, ठीक है। तो वल्ला आलम अब क्या हुआ ना सिनेरियो, मुझे मेरी समझ से बाहर है। तो वो जब पहुँची तो 5 सेंटीमीटर हो चुकी भी थी, उधर उसका ARM किया है। तो ना सीनियर था कि ना एक जो इंडोर की MO थी ना, उसको वो सेक्शन करने के लिए ले गई अपने साथ अंदर। पीछे ये 2 HOs थे, पीछे से HOD भी आ गई। HOs अब दे आर नॉट वेरी हैंडफुल टू डूइंग SVDs, वो ये वो ना, अभी वो बात नहीं है, ठीक है, सीख जाएंगे विद टाइम। तो जी वो वल्ला आलम कहाँ, दोनों MOs बिजी, OPD वाली MO भी अंदर थी, ठीक है। तो उस बच्ची का, उसका तो बेबी का हेड बैठ गई बाहर, मैं तफाकन गई, वो चीख रही है, बुरी तरह चीख रही है। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया यार, जाके देखो, देखो तो सर बाहर। अब ना उसका नीमा हुआ हुआ, ना पोलियो चला हुआ, ना यूरन आउट हुआ हुआ, ARM किया, मेकोनियम पास था उसमें Grade 2 का, स्टिक्की में गंदा सा लाइकर हुआ हुआ था, मतलब बेबी ने सब कुछ स्टूल पास किया हुआ था अंदर ही ना पेट में। तो ये हिसाब हुआ, और वो फिर वहीं डिलीवर किया, पेशेंट ने स्टूल भी पास किया हुआ है। इतना मैस, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गंदी डिलीवरी, इतनी स्मेल के कोई हाल नहीं। आज ना सुबह से ही मैं, सुबह से एब्डोमेन और वो करके ना, तो ना मेरे ना नाक में स्मेल फंसी हुई थी किसी तरह से ना, कि भाई क्या मसला है कि स्मेल क्यों आई जा रही है, मेरे ना नाक में फंस गई थी स्मेल लिटरली। तो ये हुआ था। अच्छा फिर ना मैं इंडोर में इतफाक़न ही गई थी, वहाँ पे स्प्रे कराया था पहले मैंने OPD में, फिर इंडोर में जाके ये देख लिया ये सीन, और वो इतना गंदा बेबी हुआ हुआ था, और बगैर स्टेबलाइजेशन अल्लाह ही मालेगा उस बच्चे का क्या बनेगा, मतलब सेप्सिस में जाएगा ही जाएगा। फिर खैर तो वो स्मेल मेरी नाक में फंसी, मेरा तो दिल ना करे और मेरे बार बार उस सीन आए जाए मेरे सामने, और मेरा दिल ख़राब हो गया आज गंदा थू। खैर वल्ला आलम वो फिर वहाँ पे ब्रश मचा हुआ इतने लोग, और वो HOD इतना चीखी कि तुम लोगों ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, पेशेंट नहीं देखते वगैरह वगैरह। खैर फिर कर खरा के किसी तरह जान छुड़ाई, फिर ऊपर का राउंड भी मैंने करने को मुझे भेज दिया, क्योंकि उन लोगों को नहीं आता नहीं था। ये सीन उमर पीड्स वाले नर्सी वाले भी कह रहे थे, कहा था 3 और ले आते हो तुम लोग 11-12 बच्चे रोज, हार हो गई है, तुम लोगों को सुकून नहीं है, रोक नहीं सकते तुम लोग बच्चे। मैं कहाँ से रोकूँ, उन्होंने रोकना है जिन्होंने जिनके हो रहे हैं।
फिर खैर मैंने वहाँ से निकली, मैं थोड़ा अपना हुलिया दुरुस्त किया और ना क्या कहते हैं दुरुस्त करके, तो दुरुस्त करने के बाद क्या किया, फिर मैं आई यहाँ हॉस्पिटल एवर केयर में, मेरी दोस्त की डिलीवरी हुई थी, वहाँ आई मिली। यहाँ पे अच्छा सीन था, सुकून भरा था, कोई अटेंडेंट पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट से ज़्यादा कोई रह ही नहीं सकता। वो हमारे हॉस्पिटल में तो मछली मंडी बनी होती है, वहाँ तो एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ होता है कसम से। शुक्र है इत्तेफाक का नहीं, मैं ज़रा आज अच्छे हुए, मैं तो थोड़ा बहुत तैयार श्यार होकर, ब्लड रहेगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, वो ही वेवीनेस आ जाती है फ़ौरन ही सुबह बैठते साथ ही गाड़ी में। और तैयार होकर थोड़ा गई भी थी क्योंकि ओपीडी था, अगर मेरा इंडोर या ओटी होता मैंने इतने बुरे हाल में जाना था कि मैं आगे कहीं जाने के काबिल ही ना बचती। खैर तो जाके मुझे बड़ी खुशी हुई, मिली मैं बेबी भी बहुत प्यारी माशाल्लाह, और हाला बन गई हूँ मैं अब, तो ये सीन था। इट वाज अ गुड डे, बहुत हेक्टिक था, हेक्टिक नहीं मुझे मज़ा आया, इस तरह के कामों में मज़ा आता है, नए नए एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ कुछ कह नहीं सकते आप। चलो आज मैं अपनी एक जिन्होंने मुझे कहा था कि सेक्शन भी करके आना, मैंने कहा मैम आपका वीक कौन सा है ओटी का ना, कहती अगला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं यही देख रही थी मेरा भी ओटी वीक उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए ताकि मैं एक सेक्शन तो करके आऊँगा। अच्छा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि यार मेरी दोस्त जैसे मुझे बता रही थी कि अब मैंने ये अल्ट्रासाउंड कर लिया, अब ये मसला हो गया, इसी तरह मेरी एक और दोस्त है वो भी प्रेग्नेंट है, तो वो भी मुझे बता रही होती है कि मुझे ये मसला हो गया, मैं ये ले लूँगा, फिर वो मेरे कहने पे वो दवाइयाँ ले लेती हैं या ट्रीटमेंट ले लेती हैं, और फिर वो बाद में कह गई होती है कि हाँ हमने पता किया था वो सही था, लाइक दे ट्रस्ट मी। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है, अल्लाह का शुक्र है शुक्र है शुक्र है कि मेरे से कोई चीज़ मिस नहीं होती, और मैं किसी तरह से लोगों की मदद कर पाती हूँ। और सबसे बढ़ के यही कि आपके दोस्त आप पे ट्रस्ट कर रहे हो ना इस इन मामलों में, सो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। आई एम वेरी ग्लैड कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया हुआ है मुझे। खैर चलते हैं, घर पहुंच गई हूँ मैं, जाके नहा धो के सो जाती हूँ, कल की तैयारी करनी है, कल कॉल है मेरी। ओके बाय बाय।